a desperate attempt to fill 24 hours of programming. Here's some bullshit that happened somewhere today. दुख की बात है कि आज हमको एक न्यूज़ सुनने को मिलेगी जो बताया जा रहा है कि PUBG बैन हो गया है. बट घबराने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो एंड तक देखो, मैं आपको बताऊंगा कैसे PUBG बैन होने के बाद भी इंडिया में हम उसे खेल सकते हैं. तो पहले तो मैं न्यूज़ से गो थ्रू आ जाता हूँ. जैसे कि आप पोस्टर में देख पा रहे होगे कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 118 ऐप बैन करी हैं जिसमें PUBG भी साथ में है. तो ये न्यूज़ आर्टिकल है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि PUBG मोबाइल बैन हो गया है अमंग 118 चाइनीज ऐप. ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है यार. बहन चो सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे. इफ यू गो सर्च मोर ऑन गूगल देयर लॉट ऑफ न्यूज़ आर देयर. इंडिया चाइना डिस्प्यूट, PUBG अमंग 118 मोबाइल ऐप्स विच गॉट बैंड बाय गवर्नमेंट. सी इंडियन आर्मी हैज़ गिवन अ बेटिंग रिप्लाई टू चाइनीज गवर्नमेंट बाय बैनिंग द PUBG. सो दिस इज़ रियली रियली बैड न्यूज़. हम लोग के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है ये, बट क्या कर सकते हैं, आज नहीं तो कल ये होना ही. आज मैं अपनी बात डालूंगा, आज मैं मर गया भैया. क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना, नहीं मैं तो घर पे चलो चलो इधर चलो उधर उधर किधर मत करना कोई को. गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह गाली कर गई, मेरी जबान टूट गई. आज क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो इवन ये हिंदू टाइम्स ने भी बोला है. अगर ये NTV की तरफ से आया होता तो एक बार मैं आपसे नहीं शेयर करता, बट ये हिंदू टाइम्स की तरफ से भी आया है कि PUBG बैन हुआ है. तो आई थिंक ये वैलिड न्यूज़ है, ऑथराइज न्यूज़ है. बट ये कब बैन होगा, किस दिन से बैन होगा, ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है. जैसे ये डिस्क्लोज होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पता लगे कि कब PUBG कब बैन होगा, कब से हम खेल नहीं पाएंगे और क्या उपाय हैं उसके, क्या हम उसे खेल पाएंगे. तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि PUBG बैन होने के बाद भी कैसे चलेंगे. पहले तो अभी देख लो कि चलते हैं, इवन PUBG बैन हो गया है, न्यूज़ आ चुकी है, बट अभी भी PUBG चल रहा है. मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ. तो जब तक चल रहा है जब तक चलाओ, अदरवाइज़ जब चलना बंद हो जाएगा तो मेरी ये ट्रिक यूज़ करो, उसका PUBG दौड़ के चलेगा. अभी देखो चालू हो रहा है बढ़िया तरीके से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है. आपने कुछ दिन पहले एक नोटिस भी किया होगा, कुछ टाइम पहले गलते हैं PUBG वालों ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की थी, जब इंडिया वालों ने उनसे कहा था कि हम PUBG बैन करने वाले हैं. न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी तब लोगों ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी थी. इवन आफ्टर दैट PUBG बैन हो गया है इंडिया में. चलो ये तो बात हुई PUBG बैन होने की, हम बात करते हैं कि PUBG बैन होने के बाद हम उसे कैसे खेल सकते हैं. ठीक है, चलो फटाफट मैं बताता हूँ कैसे खेल सकते हैं. कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आ जाना है. कुछ ऐप्स हैं जो बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप PUBG चला सकेंगे इवन PUBG बैन होने के बाद भी. तो सबसे पहले एक ऐप का नाम है स्पीडीफाई, ये VPN ऐप है. कुछ नहीं करना आपको, अपनी ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है. इसका पेड वर्जन भी है, पेड वर्जन भी ले सकते हैं और फ्री वर्जन भी ले सकते हैं. फ्री वर्जन में आपको कल 2 GB फ्री मिलेगा, जो कि आई थिंक सफिशिएंट नहीं होगा अगर आप एक दो हफ्ते खेलना चाहते हैं. आई थिंक ये मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा. कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आना है सर्वर्स के अंदर. सर्वर्स में आप वो कंट्री चूज़ कर लीजिए जहाँ पे PUBG बैन नहीं हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी में PUBG बैन नहीं हुआ है अभी, और इंडोनेशिया में PUBG बैन हुआ है. आप इंडोनेशिया सेलेक्ट कर लीजिए, उसका डैशबोर्ड पे आइए और ये टेस्ट कर रहा है अभी, सर्वर टेस्टिंग सर्वर कर रहा है अभी. ये इससे फटाफट VPN से कनेक्ट हो जाएगा. तो देखो VPN अभी जकार्ता में से कनेक्ट हो रहा है VPN से, ये आप इसे नोटिस कर पा रहे हो अभी. इवंस इट्स कनेक्टेड टू VPN हम लोग PUBG फिर से स्टार्ट करेंगे. अभी डिफरेंट सर्वर्स ट्राई कर रहा है, जब तक वो कनेक्ट होता है मैं इसको बंद कर देता हूँ. भाई कनेक्ट हो जा. तो ये कनेक्ट हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं अभी करंटली आपका लोकेशन क्या है. इफ हम चेक करते हैं कि हमारा करंट लोकेशन क्या दिखा रहा है ये, जिससे हम लोग को पता लग पाए कि हमारा VPN काम कर रहा है नहीं कर रहा.
तो अभी देखो मैं उस समय भोपाल में हूँ, तो भोपाल में ही दिखा रहा है ये, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये कनेक्टेड है। Wait a minute. Who are you? आप टॉप में देख पा रहे होगे VPN कनेक्टेड दिखा रहा है VPN। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पबजी को। तो अगर ये इंडोनेशिया से कनेक्टेड होगा तो आपको हाई पिंग देखने को मिलेगा गेम्स के अंदर, जिससे ये प्रूफ होगा कि ये इंडोनेशिया से कनेक्टेड है। और देखिए अब इसको लोड हो रहा है अभी गेम, ये देखिए टाइम ले रहा है। जैसे पहले मैं फ़र्स्ट टाइम जब लोड किया था फटाफट लोड हो गया था, क्योंकि मेरी इंटरनेट स्पीड यहाँ पर अच्छी है। तो अभी देखिए चलते हैं अंदर, हम लोग देख पाएंगे चलते हैं कितना पिंग आ रहा है कितना पिंग नहीं आ रहा है। तो अभी तो ये सही बढ़िया पिंग दिखा रहा है, देखिए अभी 124 का पिंग हो गया है, 20 से 124 का पिंग हो गया है एशिया सर्वर में। प्रॉब्ली वहाँ पे जब पबजी बैन होगा तो एशिया सर्वर भी साथ होता है बैन हो जाए, पर एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, अगली इंडिया ही नहीं है, पाकिस्तान है सब वगैरह, चाइना भी एशिया के अंदर ही है। तो आप एशिया सर्वर खेल पाओगे, एशिया सर्वर को खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस ऐप के थ्रू आप पबजी चला सकते हो, बट आपको प्रॉब्ली हाई पिंग देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सर्वर चूज़ किया है, आप और डिफरेंट सर्वर भी चूज़ करके दे सकते हैं जहाँ पे आपको पिंग अच्छा मिले। तो ये तो एक तरीका था पबजी चलाने का, मैं इसको अभी डिसकनेक्ट कर देता हूँ जिससे मैं आपको दूसरा तरीका दिखा सकूँ। ठीक है, ये तो था तरीका जो अप टू 2GB आप खेल पाएंगे, बट आपको उसको बियॉन्ड जाने के लिए पे करना पड़ेगा। चलो दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या करना, आपको XY गेम बूस्टर नाम की ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेनी है और सिंपल जाना है। इसे XY शुरू में 7 दिन का फ्री मिलेगा, उसके बाद आप करते हैं इसे परचेज़ कर सकते हो, या फिर डिफरेंट मोबाइल नंबर से लॉगिन करके 7 दिन और ले सकते हो। तो आप इसमें ऐप में जाओगे तो इसमें आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड एडवांस और ये बेस्ड ऑन दी इंटरनेट स्पीड, आपको कितना अच्छा लेटेंसी मिल रहा है, पिंग अच्छा कितना मिलना चाहिए, वो इन एडवांस इन सब कैटेगरीज पर डिपेंड करता है। जितनी लोअर कैटेगरी होगी उतना बेकार पिंग मिलेगा आपको। मेरा जब पबजी चल नहीं रहा था, जब मैं BSNL नेटवर्क पर था तो मैं इसी के थ्रू खेलता था। तो अभी करना कुछ नहीं है, अभी तो मेरा फ्री वर्जन ऑफ हो गया है, ख़त्म हो गया है, इसलिए मेरे को स्टैंडर्ड वर्जन चलाना पड़ेगा। फ्री मेरे पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे बोल रहा है कि मैं लॉगिन नहीं चला सकता नहीं हूँ, अदरवाइज मैं इसको चला सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप इसको टैप करोगे बूस्ट पर टैप करोगे तो ये आपको बूस्ट होने जस्ट होने के बाद ही पबजी गेम खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको बढ़िया तरीके से चला सकते हो। और भी VPN ऐप हैं आप यूज़ करते हो, एक और VPN ऐप है जिसको बोलते हैं 111, जो क्लाउड फ्लेयर के थ्रू है, इसको भी ले सकते हो, उसके थ्रू भी ले सकते हो। इसमें सबसे बात यह कि आप अगर दोस्तों को रिफ़र करोगे तो आप 1GB रैप प्लस भी यूज़ करते हो। 1GB रैप प्लस क्या है और रैप क्या है, रैप में आपको कम ज़्यादा पिंग देखने मिलेगा, जबकि रैप प्लस में आपको अच्छा पिंग देखने मिलेगा, अंडर 60 MS के अंदर आ जाता था उसका पिंग 60, कभी कभी 120 पहुँच जाता था, पर 60 MS जनरली रहता था। तो ये बहुत अच्छा, ये बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, टैप करना है ऑन हो जाएगा, तो बहुत ईजी है। तो अभी मैं चला नहीं रहा हूँ, सिंपल है, इसको आप ऑन करो बढ़िया से और ये कनेक्ट हो जाएगा बहुत जल्दी से, और फिर अपना गेम खोलो, फिर जो खेलना है खेलिए आप, जो भी गेम जो भी सर्वर खेलना है आपको खेलिए। देखिए अभी 23 MS आ रहा है, अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मेरा रैप प्लस मेरे पास है जो 2GB तक है मेरे पास, अभी मैं खेल सकता हूँ आराम से, बट अगर कोई होगा तो मैं और लोगों को रिफ़र करके वो GB कमा लूँगा। तो कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से पबजी खेल सकते हो। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, जैसी और कोई ट्रिक आती है, कोई तरीका आता है जिससे हम बिना रुकावट अच्छी पिंग के साथ हम लोग पबजी खेल सकें, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चलो दोस्तों फिर बाय बाय, गए तो नहीं ना अभी, हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोके। और जल्दी मैं मोबाइल की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको सिखाऊंगा जायरोस्कोप कैसे खेल सकते हैं बिल्कुल न्यू प्लेयर्स के लिए। चलो बाय बाय।